अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में बेसन के चीले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे मॉर्निंग या इवनिंग कभी भी बना के खा सकते हैं। ये एक अच्छा है ऑप्शन है एक हेल्दी ब्रेकफास्ट के लिए। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 1 कप फुल भर के बेसन ले लिया है। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। ये 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी ले ली है, 1/2 टीस्पून से थोड़ी कम मैंने रेड चिली पाउडर ले लिया, आप टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने सॉल्ट ले लिया है, ये देखिए, 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम मैंने ज़ीरा ले लिया है। 1 से 2 पिंच हम इसमें हींग ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी थोड़ा थोड़ा करके। इसको इसका घोल बनाना है। ये देखिए, 1 कप पानी मैंने इसमें पूरा ऐड कर दिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, मैंने इसे कितना पतला रखा है। देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया चॉप करके, 2 हरी मिर्चें ले ली हैं बारीक बारीक कट करके, 1/2 शिमला मिर्च ले ली है, ये 1 स्मॉल साइज़ का टमाटर ले लिया है, और 1 छोटी साइज़ की मैंने प्याज ले ली है। अब मैं इसको इसमें ऐड कर दूँगी। सभी चीज़ों को मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये लीजिए, ये बैटर अच्छे से तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने एक पैन को गरम करने के लिए रखा हुआ था मीडियम हीट पे, ये गरम हो चुका है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा देसी घी ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसे ऑयल ऑयल में भी बना सकते हैं। लीजिए, इसे मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब मैं 1 स्पून की हेल्प से यहाँ पर बैटर को डाल रही हूँ, और इसे धीरे धीरे घुमाते हुए एक चीले के फॉर्म में स्प्रेड कर देंगे। ये लीजिए, अब मैं इसे कवर कर दूंगी और इसे पकने दूंगी एक साइड से 1 से 2 मिनट के लिए। देखिए, अब मैं थोड़ा सा घी इसके ऊपर भी ऐड कर दूंगी। अब इसे फ्लिप कर देंगे। ये देखिए, एक तरफ से ये हो चुका है अच्छे से। मैं फिर से इसको कवर कर दूंगी। देखिए, कवर करके मैंने इसे दोनों तरफ से सेक लिया है। इसे बाहर निकाल लूँगी अब मैं। अब एक और आपको दिखा रही हूँ मैं बनाकर। देखिए, इसी तरीके से आप बैटर को फैलाते हुए स्प्रेड कर देंगे अच्छे तरीके से। आप छोटे या बड़े कैसे भी बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। देखिए, 1 से 2 मिनट के बाद फिर मैंने इसकी लीड को ओपन करा है। इसके ऊपर से मैं फिर से घी ऐड कर रही हूँ। जब फ्लिप कर देंगे, ये देखिए, ये एक साइड से बहुत अच्छे से तरीके से सिक चुका है। मैं इसको कवर कर दूँगी दोबारा से, और दूसरी साइड से भी मैं इसे ऐसे ही बना लूँगी। लीजिए, ये तैयार है। इसको प्रेस करते हुए इसकी किनारियों को अच्छे तरीके से सेक लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको सेक लिया है। मैं इसको बाहर निकाल लूँगी, सारे ही चीलों को इसी तरीके से बना लेंगे। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये देखिए, तैयार है हमारा टेस्टी सा चीला। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।